हृदय रोग, चेस्ट रोग, डायबिटीज यानी शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों से अगर आप परेशान हैं तो आयशा हॉस्पिटल महोरिया रोड निकट शेमफोर्ड स्कूल मदरसा कासमिया के सामने सुल्तानपुर में डॉक्टर मोहम्मद हारून खान से संपर्क करें या फिर दिए गए नंबर 7318403584 पर कॉल करें। नमस्कार, मैं खुर्शीद खान राजू और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम नेशन। अब वक्त हो चला है अपराध जगत की कुछ बड़ी खबरों का। सुल्तानपुर में बाहुबली यशभद्र सिंह मोनू को SC/ST एक्ट में 2 साल की सजा मिलने के बाद उनकी क्षेत्र पंचायत सदस्यता समाप्त कर दी गई है, जिससे अब धनपतगंज ब्लॉक प्रमुख का पद खाली हो गया है। सुल्तानपुर में थाना कोतवाली देहात के सोनबरसा गांव में कुल्हाड़ी और बेसबॉल के डंडे से हमला कर मौत के घाट उतारने वाले पड़ोसी संदीप वर्मा और जीतलाल वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अमेठी में आबकारी टीम ने थाना संग्रामपुर के तुला का पूर्वा चितईपारा गांव में दबिश दी। दबिश के दौरान टीम ने 72 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर 200 किलोग्राम लाइन मौके पर नष्ट किया। अमेठी में थाना रामगंज पुलिस ने दिवाकर सिंह उर्फ गुल्लू नाम के आरोपी को 12 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जौनपुर में थाना कुटान के पटेला गांव से पुलिस बल द्वारा किसी घर पर तोड़फोड़ और मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने जांच पड़ताल कर मारपीट और तोड़फोड़ का वीडियो बेबुनियाद बताया। जौनपुर में थाना मुगरा बादशाहपुर के उकनी गांव में एक महिला का शव मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कार्रवाई शुरू कर दी। जौनपुर के विकासखंड मुक्तिगंज में कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारी हरिहर लाल ने शहाबुद्दीनपुर के दबंग किस्म के व्यक्तियों पर विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान मारपीट कर घायल और सरकारी दस्तावेज फाड़कर असला लहराते हुए जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया, जिस पर किराकत पुलिस तहरीर प्राप्त कर मामले की छानबीन में जुट गई। जौनपुर में किराकत के वीरमपुर गांव में विनोद कुमार पेड़ की डाल की छटनी करते समय पेड़ से गिर पड़े, जिससे मौके पर ही विनोद कुमार की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। मेरठ में परतापुर थाने की पुलिस और एसओजी टीम ने हथियार के बल पर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के ठेकेदार की थार लूट कर फरार हुए 2 बदमाशों का खुलासा करते हुए एक आरोपी को थार के साथ गिरफ्तार कर लिया। मेरठ में थाना कोतवाली के ढलाव मोहल्ले में युवक अपनी कार खड़ी कर रहा था, तभी 3 बाइक सवार 6 अज्ञात लोग आए, जिन्होंने युवक पर फायरिंग करते हुए भाग गए। वहीं पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। इटावा में लेखपाल प्रवेश कुमार तिवारी को कानपुर मंडल से आई एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया और थाना सिविल लाइन ले जाकर लेखपाल प्रवेश कुमार से पूछताछ कर रही। आपको बता दें कि पीड़ित महावीर सिंह के तहसील से जुड़े विरासत के कार्य को लेकर 3,000 रुपये लेखपाल रिश्वत मांग रहे थे। देवरिया के भलुवनी थाना में बीते 30 दिसंबर को एक महिला का शव कई टुकड़ों में मिला था। इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा पुलिस ने मात्र एक फ्लिपकार्ट के रेपर से कर दिया और महिला की हत्या करने वाले तथाकथित प्रेमी सलाखों के पीछे पहुंच गया। आपको हमारी खबरें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इन खबरों को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक के जरिए आप जुड़े हैं तो पेज को लाइक करके फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। राहत सेवा संस्थान, सर्व मानव अधिकार, मानवता के लिए बढ़ते कदम में आप भी अपना सहयोग करें। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।